दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, कौन से समय में होने वाला है, आपको कौन कौन से सावधानी रखना चाहिए और पहले के लोग जो बोलते हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लगने वाला ग्रहण 2022 का लास्ट सूर्य ग्रहण है, जो कि मंगलवार की शाम 25 अक्टूबर को 4:29 पर शुरू होगी और 5:42 पर ख़त्म होगी। और यह सूर्य ग्रहण दक्षिण पूर्व मध्य एशिया अफ्रीका अंटार्कटिक सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाली है। यह हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, तब भी इसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ेगा। पहला जो सूर्य ग्रहण हुआ था वो 30 अप्रैल को हुआ था। अब जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए, कितना आपके लिए सही है और कितना आपके लिए झूठ। पहले के लोगों का मानना था कि गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण होता है उस समय आपको ग्रहण से लगने वाली रोशनी को नहीं देखना चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और कुछ पका भोजन हो उसको खाना नहीं चाहिए। काफ़ी सारी बातें हैं जो गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है, जो कि आप जानेंगे कि कितना सच है और कितना झूठ। दोस्तों पहले के ज़माने में सूर्य ग्रहण जब होता था तब काफ़ी अंधेरा हो जाता था और पहले के ज़माने में रोशनी यानी कि बिजली नहीं होती थी, इसलिए गर्भवती को कहा जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए कहा जाता था ताकि आपका पैर ना फिसल जाए, आपको कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्हें मना किया जाता था। और बोलते हैं कि ग्रहण जब लगता है तब मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, तो पहले के ज़माने में शौचालय टॉयलेट वगैरह घर में अवेलेबल नहीं हुआ करता था, अब के ज़माने में सारी फैसिलिटी घर में ही अवेलेबल हो गई है, तो आप मल मूत्र का त्याग कर सकते हैं, इससे आपके बच्चे को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और कुछ लोगों का मानना है आपको नुकीली चीज़ें चाकू छुरी यानी कि तक सुई भी आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, ना ही उसको उस समय छूना चाहिए। पहले के लोग मानते थे अगर आप ऐसी चीज़ों को अपने पास रखते हैं तो आपके बच्चे में डिफेक्ट हो सकता है, सुई जब उस समय आप छूते हैं तो आपके बच्चे के हार्ट में छेद हो सकता है, चाकू छुरी से भी आपके बच्चे को प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ऐसा आपके बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं होता है, ना ही इस बात को साइंस मानती है। जब ग्रहण होता है तब आप मल मूत्र का त्याग कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं और सूर्य की रोशनी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बगल आता है, उससे आपको देखना चाहिए, जिससे आपकी आँखों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही आपके बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, कुछ लोग बोलते हैं जब ग्रहण लगता है तो पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, तो आप ऐसे भोजन कर सकते हैं क्योंकि अब जो है हम जब भोजन करते हैं तब गर्म गर्म ही भोजन सेवन करते हैं, रेफ्रिजरेटर में गर्म करके करते हैं या तो गैस में गर्म करके करते हैं, जिससे आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर आपने पहले से ही भोजन बना कर रख दिया है तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, जिससे कि आपका खाना भी ख़राब नहीं होगा। अब लास्ट एक और बात है, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो कि आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं, तो उनकी कुछ कुछ बातों को मान लीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। और ये बातों से आपके बच्चे पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ग्रहण से आपके बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।